क्या आपको पता है कि तकरीबन 90% लोग गलत तरीके से चलते हैं? 90% के करीब लोगों को पता ही नहीं कि वॉक करने का दुरुस्त तरीका क्या है, इसलिए पब्लिक हेल्थ ने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। इस वीडियो में आप चलने या वॉक करने का दुरुस्त तरीका जानेंगे। इस वीडियो को बार बार देखें और इस पर स्टेप बाय स्टेप अमल करें। आपको चलने का दुरुस्त तरीका सीखने में कुछ अरसा लग सकता है, और हाँ, ये भी याद रखें कि जब भी चलें, चाहे 10 कदम ही क्यों ना हो, इसी तरीके से चलें। इस तरह चलने को अपनी आदत बना लें। तो करते हैं शुरू वीडियो। सबसे पहले आपने बिल्कुल सीधा खड़ा होना है। वॉक करते वक्त आपकी गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपने देखना भी बिल्कुल सामने है। फिर देखें गौर से, चलते वक्त आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो, आप झुके हुए ना हो, आपकी कमर भी बिल्कुल सीधी हो और आप बिल्कुल सीधा यानी सामने की तरफ देखें। सामने देखने से आपकी गर्दन सीधी रहेगी। इसके अलावा आपके कान कंधों के एन ऊपर होने चाहिए और पेट अंदर की तरफ। कान कंधों के ऊपर तभी होंगे जब गर्दन बिल्कुल सीधी होगी। इसके बाद का स्टेप है हथेलियों की पोजीशन का। आपने देखा होगा कि चलते वक्त अक्सर लोगों की हथेलियां पीछे की जानिब होती हैं। वॉक करते वक्त हथेलियों की ये पोजीशन निहायत खतरनाक और गलत है। ऐसा करने से कोहनी की प्रोनेशन हो जाती है, रेडियस बोन ऊपर आ जाती है और अक्सर लोग, खासकर के वो अफराद जो शुगर के मरीज हैं, उनका कंधा रोटेट हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर की बीमारी हो सकती है, यानी कंधा फ्रीज हो जाता है और फिर दर्द शुरू होता है। इसलिए चलते वक्त हथेलियां कभी पीछे की जानिब नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका रुख हमेशा सामने होना चाहिए। और अगर हथेलियां सामने ना हो तो ये आपकी रानो यानी थाइस की तरफ होनी चाहिए। और अब एक निहायत अहम स्टेप, चलते वक्त बाजुओं को बिल्कुल नहीं मोड़ना, बल्कि कंधों को 10 डिग्री रोटेट करना है। ऐसा करने से आपकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे रोटेट होंगे, उन्हें खुराक मिलेगी, डिस्क मजबूत और सेहतमंद होगी और कमर दर्द खत्म हो जाएगा। तो अब बात हो गई हमारी अपर बॉडी यानी जिस्म के ऊपर के हिस्से की। अब बात जिस्म के निचले हिस्से की, और इसमें सबसे पहले जिक्र पांव का। ये बात कभी मत भूलिएगा कि चलते वक्त आपने हमेशा अपनी एड़ी या हील पर लैंड करना है, पंजों या तलवों पर लैंड नहीं करना। इसका मतलब ये है कि जब भी पांव जमीन पर रखें तो सबसे पहले आपकी एड़ी जमीन को लगे, इसके बाद आपके तलवे और फिर आपका पंजा। आपने पंजों के बल अगला कदम उठाना है, यानी एड़ी से लेकर पंजों तक पांव को रोल करके उठाना है, और पांव बिल्कुल सीधे होने चाहिए, तीर की तरह सीधे। पांव की वी शेप नहीं होनी चाहिए। रही बात इनके दरमियान फासले की, तो ये ना ही बहुत कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा। असल में चलते वक्त दोनों पांव के दरमियानी हिस्सों का फासला 4 से 6 इंच होना चाहिए। आपके घुटने का जोड़ और पांव का पंजा एक लाइन में होना चाहिए। इसका फायदा आपके नी ज्वाइंट्स यानी घुटनों के जोड़ों को होगा। एक और अहम बात यह है कि आपने नी ज्वाइंट्स यानी घुटनों के जोड़ों से मूव नहीं करना, बल्कि कूल्हे से करना है, और ये सब काम आपने आहिस्ता आहिस्ता और स्टेप बाय स्टेप करने हैं। पहले गर्दन और कमर सीधी रखें, फिर हथेलियां सामने या रानों की तरफ करें और फिर बाकी स्टेप्स पूरे करें। जब भी वक्त मिले 30 से 40 मिनट वॉक करें, और जब ये सब सीख जाएं तो वॉक का वक्त सेट कर लें। वॉक करने से आपके जिस्म का दर्द खत्म होगा, डिप्रेशन से जान छूट जाएगी और बेहतरीन नींद आएगी। ये तो हो गया चलने का तरीका, और अब बात जॉगर्स की। आखिर को वॉक तो आपने जॉगर्स पहनकर ही करनी है ना। जॉगर्स अच्छी क्वालिटी के और अंदर से नर्म होने चाहिए। व्यूअर्स याद रखें कि वॉक, जॉगिंग और मुख्तलिफ खेलों जैसे फुटबॉल, टेनिस वगैरह के अलग अलग जॉगर्स होते हैं। आपने वॉक करते वक्त वॉक ही के जॉगर्स पहनने हैं, कोई और नहीं। और अब थोड़ी सी बात जॉगिंग के मुतालिक। अगर किसी को जॉगिंग का शौक हो तो उसने एड़ी पर लैंड नहीं करना। जॉगिंग करते वक्त हमेशा पंजे पर लैंड करें। हमें यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इससे फायदा भी उठाएंगे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह और लोगों का भी फायदा हो सके।